दोस्तों, आपने राजस्थान के भानगढ़ और कुलधरा की तो काफी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन राजस्थान में एक और ऐसी जगह है जहां से लौटकर वापस आ पाना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा गांव जो 250 साल पहले बर्बाद हो गया था और उस गांव से अब कोई नहीं गुजरता। जो भी इस गांव के रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। कौन सा है ये गाँव और क्या है इस गाँव की कहानी, आइए आपको विस्तार से बताएं। दोस्तों, अगर आपने मेरी 15 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया वीडियो देखी है तो आपको ये पता ही होगा कि ज्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनमें से भानगढ़ का किला सबसे ऊपर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलभाटा नाम का गाँव है। ये रेगिस्तानी इलाके में है। अब ये गाँव पूरी तरह बंजर और बर्बाद हो गया है। पहले ये गाँव ऐसा नहीं था। ये गांव करीब 250 साल पहले बसा हुआ था, जहां लोग रहा करते थे। मगर यहां कुछ ऐसी अनहोनियां हुई जिसने यहां के लोगों को कुलभाटा को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? 18वीं सदी में इस गांव में एक कालू नाम की चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अमर होने के लिए उस गाँव की जवान लड़कियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन गाँव के सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को मार दिया और रेतीले रेगिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन असली मुसीबत उसको दफनाने के बाद ही शुरू हुई। कालो धरती को चीर कर फिर से वापस गांव में लौट आई और इस बार वो ज्यादा गुस्सैल और खौफनाक हो गई थी, जिसको कोई नहीं मार सकता था। कालो ने गांव वालों से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। उसी के डर से गांव वालों ने एक ही दिन में पूरा कुलभाटा खाली कर दिया और वहां से रवाना हो गए। और आज 250 साल बाद भी कुलभाटा दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहा यह जाता है कि आज भी कालो कुलभाटा में उसी बंजर स्थान में यहाँ वहाँ भटक रही है और जो भी वहाँ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। वो जगह अब इतनी डरावनी हो गई है कि वहाँ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों का मानना है कि वो चुड़ैल अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। इस घटना के बाद से 250 साल तक इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता है तो वो चुड़ैल उसे मार देती है। बर्बाद और बंजर कुलभाटा आज भी उसी सुनसानियत में जी रहा है और खून की प्यासी कालो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस चुड़ैल पर आधारित 2010 में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था कालो, जिसमें 11 सवारियों से भरी एक गाड़ी गलती से इस रास्ते से गुजरती है और फिर मौतों का सिलसिला चालू हो जाता है। उन 11 लोगों में से सिर्फ 2 ही जन बच पाते हैं। इस फिल्म को काफी सराहा गया था। यूट्यूब में यह फिल्म अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में कई और हॉरर कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। धन्यवाद।